हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोकॉल्ड पेंडुलम के बारे में। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। फोकॉल्ड पेंडुलम की मदद से हम लोग प्रूव करते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के रोटेशन से डे और नाइट होता है। दिन और रात किस वजह से होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ तो रोटेशन करता है अपने एक्सिस पे, साथ ही साथ ये रेवोल्यूशन भी करता है। सन के अराउंड इस तरह से चारों तरफ घूमता है और अपने एक्सिस पे क्या करता है? रोटेशन भी करता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? अब इसको प्रूफ करने की ज़रूरत क्यों आई? वैसे भी तो हम बता सकते हैं कि भाई डे और नाइट होता है तो रोटेशन की वजह से होता है, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत क्यों आई? प्रूफ करने की ज़रूरत इसलिए आई कि मान लीजिए हम यहाँ पर अर्थ के सर्फेस पर खड़े हैं, हमने कोई सिक्का ऊपर फेंका और फिर सिक्का वहीं पर आके नीचे गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है, इससे हमें यह पता चलता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई चीज़ घूम रही है इस तरह से और मैंने किसी चीज़ को यहाँ पे रखा, तो वो इस तरह बाहर की तरफ जाएगा। कोई चीज़ घूम रही है और उसमें मैंने कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन अर्थ पर इस तरीके का ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए हम प्रूफ करेंगे अर्थ के रोटेशन के बारे में। पहले जानते हैं फोकॉल्ड पेंडुलम का सेटअप क्या है, फिर उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। जो फोकॉल्ड पेंडुलम होता है वो एक सिंपल पेंडुलम की तरह ही होता है। विच ए हैवी बॉब इज़ कैरीड बाई ए वेरी लॉन्ग वायर। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, हैवी होता है, बाई ए वेरी लॉन्ग वायर। ये बहुत ही लंबे वायर के साथ सस्पेंडेड होता है। आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे ये बॉब है, इस तरह से सस्पेंडेड होता है। ए रिजिड सपोर्ट सो एज टू हैव इक्वल फ्रीडम ऑफ ऑक्सीलेशन। रिजिड सपोर्ट होता है कि हर तरफ इक्वल फ्रीडम हो ऑक्सीलेशन का। ये इस डायरेक्शन में भी ऑक्सीलेशन कर सकता है और इस डायरेक्शन में भी ऑक्सीलेशन कर सकता है, यानी सिंपल पेंडुलम की तरह ही होता है। बस ये थोड़ा सा हैवी होता है, लगभग 60 kg 65 kg इस तरह का होता है। और इसका वायर जो होता है वो स्टील का होता है। मतलब भाई 65 kg है तो उसको हम लोग धागे से तो बांध नहीं सकते, स्टील से बांधेंगे, स्टील का होता है। तो ये है फोकॉल्ड पेंडुलम का सेटअप। अब चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? अर्थ है। और मैंने अर्थ के नॉर्थ पोल, देखिए अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अर्थ के नॉर्थ पोल पे हमने मान लीजिए इस पेंडुलम को सेटअप कर दिया, तो अर्थ अभी तो स्टेबल है मान लीजिए। और अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है। तो ये रोटेट करेगी कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अर्थ रोटेट करती है। तो अर्थ रोटेट करती है, उससे क्या होगा? जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी, ये भी ऐसे पेंडुलम पहले हिलेगा। मान लीजिए कि अर्थ अभी स्टेशनरी है, मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको। मान लीजिए अर्थ स्टेशनरी है तो पेंडुलम क्या होगा? इस तरफ मूव करेगा और इस तरफ मूव करेगा। यानी मान लीजिए इसका कुछ इस तरह से पाथ बनेगा, इस तरह से पाथ बनेगा। किसका? पेंडुलम का। भाई इस तरह से मोशन करेगा ना, ये इस तरह से पाथ बनेगा। अब अर्थ क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से इस पेंडुलम के ऑक्सीलेशन पर कुछ चेंजेस आएंगे। अर्थ के रोटेशन की वजह से इस पेंडुलम के ऑक्सीलेशन पे कुछ चेंजेस आएंगे, इसके पाथ में कुछ चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए पाथ पहले इस तरह से था, तो अब पाथ कुछ इस तरह से होगा, फिर पाथ कुछ इस तरह से होगा, फिर पाथ कुछ इस तरह से होगा। इसका मतलब क्या है? ये भी गोल गोल घूम रहा है, ये भी क्या हो रहा है? इस तरह से अपने प्लेन को चेंज कर रहा है धीरे धीरे। क्यों चेंज कर रहा है? अर्थ के रोटेशन के वजह से। किसके वजह से? अर्थ के रोटेशन के वजह से। हमने यहाँ पर एक पेंडुलम को नॉर्थ पोल पर सेटअप किया, अर्थ जैसे ही रोटेट होना स्टार्ट किया, मान लीजिए अर्थ रोटेट होना स्टार्ट किया, तो पेंडुलम पहले ऐसे ऐसे मोशन कर रहा था, ऑक्सीलेट कर रहा था, लेकिन अब उसके ऑक्सीलेट का जो शेप होगा वो चेंज होगा। पहले इस तरह से था, अब इस प्लेन में होगा, अब इस प्लेन में, फिर इस प्लेन में। यानी कुल मिला के ऐसे गोल गोल एक सर्कुलर पाथ बनेगा इसका, किसका? पेंडुलम का। तो ये फोकॉल्ड ने ऑब्जर्व किया पहली बार, तो इसीलिए इसको फोकॉल्ड इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकॉल्ड इफेक्ट। अब जैसा जानते हैं आप, अर्थ रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जो ये रोटेट करेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मान लीजिए अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये पेंडुलम किस डायरेक्शन में, ये इसका जो पाथ होगा वो किस डायरेक्शन में घूमेगा? वो घूमेगा ईस्ट टू वेस्ट। तो अर्थ का अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इसका होगा माइनस ओमेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसका अगर ओमेगा है तो इसका क्या होगा? माइनस ओमेगा। अब मान लीजिए पेंडुलम को मैंने नॉर्थ पोल पे सेटअप नहीं किया, पेंडुलम को हमने इक्वेटर से, इसको इक्वेटर कहते हैं बीच वाले पार्ट को, इक्वेटर से फाई एंगल पे सेटअप कर दिया। मतलब लगभग यहाँ कहीं पे सेटअप कर दीजिए, मान लिया यहाँ कहीं पे सेट कर दिया, तो अब क्या होगा? अब इसके एंगुलर वेलोसिटी में कुछ फ़र्क आएगा। कितने का फ़र्क आएगा? अब हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन फाई। पहले माइनस ओमेगा था, किसका? फोकॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी आप भी कह सकते हैं इसको।
अर्थ का ओमेगा है तो इसका क्या होगा, माइनस ओमेगा। तो अब हमने क्या किया, इक्वेटर से थोड़ा शिफ्ट कर दिया, इक्वेटर से कुछ एंगल पे हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया फोकॉल्ड पेंडुलम का। तो अब इसका जो वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा माइनस ओमेगा साइन फाई। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड आप जानते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ये होता है, लेकिन यहाँ पे जो है एंगुलर वेलोसिटी क्या है, माइनस ओमेगा साइन फाई। तो टाइम पीरियड हो जाएगा माइनस 2 पाई साइन फाई ओमेगा, यहाँ पे माइनस साइन आगे आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमने टाइम पीरियड भी कैलकुलेट किया। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो में कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।